आप सभी का, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात भाजपा की जन विश्वास यात्रा की करेंगे। मेरी सहयोगी अनु भीम मेरे साथ मौजूद है, विस्तार से ये पूरी खबर वो बताएंगे। बिल्कुल जया, बात भाजपा की जन विश्वास यात्रा की करें तो आज इसका छठा दिन है। आज भाजपा संगठन के 6 क्षेत्रों की यात्राएं अपने अलग अलग पड़ाव पर पहुंचेंगी, जिसमें से गोंडा की के अंदर जन विश्वास यात्रा आज बहराइच पहुंचेगी। इसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और महसी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले 5 सालों में सीएम योगी महसी विधानसभा का 5वीं बार ये दौरा करेंगे, तो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम योगी का स्वागत किया जाएगा। आज वे इस जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और साथ ही फतेहपुर में भी जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी। महेंद्रनाथ पांडे प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। संजीव बालियान भी शामिल होंगे मेरठ की इस जन विश्वास यात्रा में। मैनपुरी में जब जन विश्वास यात्रा पहुंचेगी तो गीता शाक्या उसमें शामिल होंगी। तो ये अलग अलग तस्वीरें आज जन विश्वास यात्रा के अलग अलग पड़ावों की आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इसमें शामिल होंगे। और नीतीश पांडे हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, ये अलग अलग पड़ावों में अलग अलग क्षेत्रों से जन विश्वास यात्रा गुजरेगी, क्या लगता है क्या जनता एक बार फिर से इन यात्राओं के जरिए विश्वास बीजेपी पर दिखाएगी? निश्चित तौर पे जिस तरह से जन विश्वास यात्रा जनता का विश्वास हासिल करने के लिए और उन विश्वासों पर कितने खरे उतरे हैं ये बताने के लिए निकाली गई है, और आने वाले दिनों में चुनाव में विजयश्री में एक ये यात्रा बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सके, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। तो देखना ये होगा कि जनता इसे किस तरह से स्वीकार करती है और चुनावों में इसके नतीजे क्या सामने आते हैं। लेकिन बहराइच की यात्रा की बात कर ले तो यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे, सभा करेंगे और इसके साथ ही 98 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 18 किसानों को ट्रैक्टर बांटेंगे मुख्यमंत्री, और जिस जगह पर मुख्यमंत्री की सभा है वो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सभा करके किसानों को साधने का और इसके साथ ब्राह्मण वोटों को साधने का एक माध्यम भी तलाशेंगे मुख्यमंत्री। चूंकि पिछले चुनावों की बात कर ले तो सपा बसपा और कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहा है, तो उस दबदबे को भी खत्म करने का पूरा प्रयास होगा। और सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि अगर अन्य जनपदों की बात करें जहाँ जहाँ से ये जन विश्वास यात्रा निकल रही है वहाँ वहाँ जिस तरह से जनता का समर्थन इसे मिल रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में एक नई तस्वीर सामने आएगी। एक बात आपको बताऊं जया और अनु दोनों, ये एक जो चीजें सामने आई, हर पार्टी हर दल अपनी अपनी यात्रा निकाल रहा है और हर यात्रा में भीड़ ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये भीड़ ये जन समर्थन वोटों में तब्दील होगा? जो वोट के नतीजे हैं, जो चुनाव के नतीजे हैं, वो किसके पक्ष में जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यात्राओं की भीड़ ज्यादा उमड़ रही है, यात्राओं में जिस तरह का जनसमूह देखने को मिल रहा है ऐसा लगता है कि सभी दलों के जनसमूह क्या वोट में तब्दील हो पाएगा ये देखना होगा। चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि क्या ये जनसैलाब वोट में तब्दील हो रहा है या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जन विश्वास यात्रा का छठा दिन है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण जो जानकारी है जुड़ी हुई वो भी हम आपको बता देते हैं। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, मंत्री रमापति शास्त्री ये भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसके अलावा जन विश्वास यात्रा जो आगे बढ़ेगी देवरिया की अगर हम बात करते हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इसमें मौजूद होने वाले हैं। इसके साथ साथ फतेहपुर की बात की जाए तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जो कि जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगी वो नेतृत्व करेंगे। प्रयागराज की बात करते हैं तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे नेतृत्व करेंगे। इसके साथ साथ मेरठ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और इसके साथ साथ मंत्री सुरेश राणा भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो तमाम बड़े नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। मैनपुरी की अगर हम बात करते हैं, जन विश्वास यात्रा जो मैनपुरी में होने जा रही है उसमें मंत्री जीएस धर्मेश होंगे और सांसद गीता शाक्य होंगी जो कि जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगी और यहां से लोगों को संबोधित करेंगी। अलग अलग जगहों पर लगातार जन विश्वास यात्रा हो रही है बीजेपी की और इसको लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दी। अब सहयोगी मेरी अनु भी लगातार आपको जानकारी एक के बाद एक दे रही हैं। अगली खबर क्या है बताइएगा अनु।
बिल्कुल जय, एक तरफ तो यात्राएं चल रही हैं लेकिन दूसरी तरफ विवाद भी हैं जो बीजेपी के और खासतौर पर प्रदेश सरकार के सामने खड़े हुए हैं। बात कर लेते हैं अयोध्या जमीन विवाद की, जिसके उठने के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे। अयोध्या में सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसके तहत वे सुबह 11 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में ही लखनऊ, कानपुर नगर और देहात संत कबीर नगर, ललितपुर, कौशाम्बी, सोनभद्र और देवरिया के 50-50 बेड के अस्पताल और 500 आयुष वेलनेस केंद्रों का लोकार्पण भी किया जाएगा। तो एक बड़ा विवाद उठा था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम है अयोध्या में, जहां कई सौगातें दी जाएंगी अलग अलग क्षेत्रों में, जहां जन स्वास्थ्य सुविधाओं से काफी लाभ लोगों को मिल सकता है, इस बात का अनुमान है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं अयोध्या में, आयुर्वेद की सौगात यहां वासियों को दी जाएगी। आयुष अस्पतालों के साथ ही वेलनेस सेंटर का भी शुभारंभ होगा। तो मिशन अवध पर मुख्यमंत्री होंगे, मिशन अवध पर महाराज और बहराइच में जन विश्वास यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। क्या महत्वपूर्ण जानकारी और है आपको बताते हैं। देखिए, बहराइच में जो जन विश्वास यात्रा होगी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। प्रयागपुर कैसरगंज होते हुए महसी में ये यात्रा पहुंचेगी और महसी पहुंचेगी ये यात्रा तो वहां पर जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं। 5 साल में योगी का ये 5वां दौरा होगा, इस लिहाज से भी आप देख सकते हैं कि ये सीट कितनी महत्वपूर्ण है। 98 परियोजनाओं का मुख्यमंत्री यहाँ से लोकार्पण करने जा रहे हैं। 18 किसानों को ट्रैक्टर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से देने वाले हैं। और अनु लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो कि अलग अलग खबरें आपको बता रही है। अनु, अगली खबर आपके पास क्या है? बिल्कुल जय, ये जो अयोध्या का दौरा है इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से ऋषि, ये जो तमाम प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को ये जो सौगातें मिलने जा रही हैं, किस तरह से इसका फायदा लोग देख रहे हैं? महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 2022 का चुनाव भी करीब आ गया है, तो अयोध्या में विकास को लेकर के अयोध्या के जो वासी हैं, जो अयोध्या के निवासी हैं, वो खुशी हैं क्योंकि इस बार भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या को कोई एक बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अयोध्या के विकास की परियोजनाएं ऐसी हैं जो चल रही हैं और कई योजनाएं ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। इसको लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी कोई एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं आज। बिल्कुल, तो बड़ी सौगात यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा सकती है। ऋषि, इसके अलावा ये जो जनविश्वास यात्रा चल रही है इसमें भी काफी हुजूम उमड़ता है लोगों का, इस बाबत क्या तैयारियां की गई हैं? जनविश्वास यात्रा की बात करें तो अभी कुछ 2 दिन पहले जो कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक पहुंचे थे, तो एक तरह से कहा जाए कि उत्साह था लोगों में, मतलब कुछ अलग सा माहौल था। 2022 का चुनाव जैसे करीब आया है तो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा था, लाखों जो भक्त वहाँ पे आम जनमानस थे वहाँ मौजूद थे। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मिशन अवध पर महाराज हैं लेकिन क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री का, वो भी आपको बता देते हैं। अयोध्या में कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहेगा। आयुष मेले का उद्घाटन भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री, इसके अलावा आयुष अस्पतालों का भी लोकार्पण किया जाएगा और कई बेड वाले अस्पतालों का शिलान्यास यहाँ पर होगा। सत्संग भवन का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा जानकारी इस बात की भी है कि रामलला के भी दर्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आयुष मंत्री सर्वानंद सोनेवाल होंगे उनके साथ। राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री के साथ, वो भी मौजूद होंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है। मिशन अवध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उसके अलावा क्या वहां पर उनके कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अनु, अगली खबर आपके पास क्या है, दर्शकों को बताइएगा।
बिल्कुल जया, एक बड़ी खबर से अब अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। बहराइच से ये अहम खबर है, जहां बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है। दोपहर 2:20 पर बहराइच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महसी विधानसभा क्षेत्र में ये जनसभा होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार दौरे चल रहे हैं और अब बहराइच में ये जनसभा होगी। 35.38 करोड़ की 98 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। जन विश्वास यात्रा में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 98 परियोजनाओं का शिलान्यास आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। बहराइच से ये अहम खबर, जन विश्वास यात्रा में आज सीएम शामिल होंगे और साथ ही कई सौगातें भी यहाँ क्षेत्रवासियों को दी जाएंगी। बहराइच में सीएम योगी की जनसभा भी आज है। दोपहर के समय ये जनसभा होगी। 2:20 पर बहराइच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद कई सौगातें महसी विधानसभा क्षेत्रवासियों को दी जाएंगी। तो अनु ने आपको बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महसी में जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन मैं अब आपको बताऊंगी कि सीट का सियासी गणित क्या है महसी का मैथमेटिक्स, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है ये, देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, ब्राह्मण बाहुल सीट है और मुस्लिम आबादी यहाँ पर ज्यादा है। 2017 की अगर हम बात करते हैं, जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि भाजपा की यहाँ पर जीत हुई थी। भाजपा के सुरेश्वर सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। इसके बाद अगर 2012 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर बसपा की जीत हुई थी, बसपा के पास ये सीट थी, लेकिन 2007 में भाजपा के पास ये सीट थी। और 2002 के अगर सियासी समीकरणों पर नजर डाले, 2002 के जो नतीजे थे उस वक्त में बसपा के कृष्ण कुमार जीते थे, यानी कि किसी एक राजनीतिक दल का इस सीट पर कब्जा नहीं रहा है। लगातार यहां पर परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन इस बार का मुकाबला बहुत कड़ा है और इस बार यहां की जनता क्या तय करती है वो देखना होगा। अनु का रुख करेंगे, अनु अगली खबर क्या है दर्शकों को बताइए। बिल्कुल जया, जहां एक तरफ भाजपा राम मंदिर निर्माण के सहारे अपने एक खास वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं अब लगातार दूसरी तरफ विपक्ष है जो कि राम के नाम पर किस तरह से राम मंदिर निर्माण की जमीन को लेकर जो विवाद हो रहा है उसे उठा रही है। दरअसल इस मंदिर निर्माण की जमीन खरीद के घोटाले को अब मुद्दा बनाने में कांग्रेस जुट गई है और इस घोटाले को लेकर एक बार फिर से यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पारा भी चढ़ गया है। एक तरफ जहां कथित जमीन घोटाले को लेकर योगी सरकार ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू के जो एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट देंगे, इसके निर्देश खुद सीएम योगी ने दिए थे। वहीं चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को कैश कराने के मूड में साफ दिखाई दे रहा है। जमीन घोटाले को लेकर जहां अब विपक्ष लगातार हमलावर है प्रदेश सरकार पर, राम मंदिर के पास जमीन खरीदे जाने और उसे महंगे दामों में बेचे जाने के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। जमीन नाम लिया जा रहा है वो भाजपा से संबंधित लोगों का नाम लिया जा रहा है या जो सरकारी कर्मचारी है, तो ये विपक्ष का चाल है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं। जिस तरह हमारा ही नाम इसमें प्रकरण में आया विधायक जी का नाम, तो हम लोग विधायक से पहले पूर्व हम लोग शुरुआत से 70 साल हम लोग व्यापारी ही रहे। हम लोग काम यही नहीं कि हम लोगों ने यही जमीन ली, हम लोगों ने तमाम जमीन लखनऊ में भी ली है, सुल्तानपुर में भी ली है, तो हम लोग बेसिकली व्यापार का काम भी व्यापार के साथ साथ अपने जमीन का भी हम लोग कारोबार करते हैं। माझा बराठा के जितने दलित से सारी जमीन उन्होंने उन लोगों ने दिया कि हम यहाँ स्कूल बन जाएगा, कॉलेज बन जाएगा, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको कहकर नौकरी लेकर गया था। वो अपने आदमी के नाम, एक रुंगही नाम का कोई प्रयागराज में इलाहाबाद में रहता, उसके नाम खरीदवाया, 10 रुपए कागज अपने नाम करवा के जब फंसा तब कौड़ियों के भाव अधिकारियों को जमीन उसने देना शुरू कर दिया। जितने अधिकारी थे जो रिकॉर्ड का काम देखते हैं, जमीन लगभग लगभग महर्षि योगी से सबने ली। ये जो कारोबार, काला कारोबार प्रभु श्री राम की धरती पर चल रहा है, मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। जितने दाखिल खारिज बैनामे हुए हैं अयोध्या में, इन सब की जांच होनी चाहिए, तो बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े नेताओं के और नामों के खुलासे होंगे। तो ये तो आपने सियासी खबरें देखी, लेकिन अब आपको कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बता दे। दिल्ली से बड़ी खबर ये है कि कोरोना को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर। PM ने बैठक की थी और तैयारी के साथ ही कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ऐलान कर सकता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसले हो सकते हैं।
जहां देश भर में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन मुश्किलों को बढ़ा रहा है, तो वहीं इस बीच यूपी सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना से होने वाले खतरे का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मुद्दे पर सतर्क हो गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग से कोरोना के खतरे को समझते हुए विधानसभा चुनाव टालने को लेकर विचार करने की बात कही है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अगले साल यूपी उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सियासी पार्टियां जोर शोर से जुटी हुई हैं। कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन और कर दिया है रिगार्डिंग इलेक्शन कि अगर जरूरत समझा तो महीने दो महीने के लिए सिलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर दिया जाए। ये कोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने बेसिकली कोविड को ही देखते हुए किया है, क्योंकि अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं तो कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन एक दो महीने के लिए पोस्टपोन हो जाए, इसके लिए वो कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी ऑनलाइन प्रधानमंत्री जी को। रैलियों में जो भीड़ हो रही है तमाम दलों के, इस पर भी चिंता जाहिर की है। हाँ, इस पर भी चिंता जाहिर की उन्होंने, इसलिए किया कि रैलियों में भी फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर उसमें भी कुछ हो सकता हो तो ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं प्रयागराज में, हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, जिस तरह से रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, नेताओं को तो ये खुशी देती है, लेकिन ये लोगों के लिए, समाज के लिए और लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अब तो इस पर नजर हाईकोर्ट की भी पड़ चुकी है। देखिए, ये सीधे तौर पर कोई आदेश नहीं है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सुझाव है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चाहे वो केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे चुनाव आयोग हो, वो हाईकोर्ट के इस फैसले को मानती है या फिर इस फैसले को नजरअंदाज करती है या फिर इसे ऊपर की अदालतों में चुनौती देती है। बहरहाल, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम जल्दी जल्दी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि जो प्रयागराज की आम जनता है वो क्या चाहती है। बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह सुझाव दिया है कि कोरोना को देखते हुए चुनाव को टाल दिया जाए या फिर रैलियों और सभाओं पर पाबंदी लगा दी जाए, क्या मानते हैं आप? देखिए, चुनाव तो होना चाहिए और चुनाव में जो है लोगों की जो रैली की उसकी संख्या कम होनी चाहिए और जो लोगों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे इकट्ठा काफी किया और कई जगह कर रहे हैं, उसको सीमित किया जाए, छोटे दायरे में किया जाए। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन फैल, आप बताइए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है आप क्या मानते हैं, चुनाव टलना चाहिए या नहीं टलना चाहिए? देखिए भाई साहब, चुनाव होना चाहिए, लेकिन वो है जो ये बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही, ये मतलब कि बहुत कम होना चाहिए, बड़ी बड़ी होना चाहिए। आप सर ऐसे घूम जाइए, आप बताइए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि जो है इस वक्त जो है हीट हो गई है इलेक्शन के, जो है उसके वजह से देखना है कि जल्द से जल्द ये गवर्नमेंट जो है उसका नतीजा निकल आना चाहिए कि होगी कि नहीं होगी। आदमी जो है अपने, भाई साहब आप आगे आ जाइए, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, हाईकोर्ट का फैसला सही है, पालन होना चाहिए या नहीं? हाँ तो होना चाहिए, लेकिन भीड़ कम होना चाहिए। आप भी सहमत हैं इनसे? जी हाँ, बिल्कुल, चुनाव होना चाहिए। देखिए, जो जनता है वो ये चाहती है कि चुनाव होना चाहिए, अपने तय वक्त पर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन होना चाहिए, रैलियों और सभाओं में भीड़ सीमित कर देनी चाहिए और दूसरे माध्यमों से प्रचार करना चाहिए। आम जनता जो प्रयागराज की है वो ये चाहती है कि चुनाव टाले ना जाए, बल्कि उसको कोविड प्रोटोकॉल के तहत कराए जाए। बिल्कुल। और अब एक बड़ी खबर से जया दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। कानपुर शहर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इत्र कारोबारी के घर DGGI की छापेमारी हुई है। GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय को 150 करोड़ की कर चोरी के सबूत मिले हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। मुखौटा कंपनियों के जरिए 100 करोड़ का लेन देन, जहां लोन लेने की बात सामने आई है और मूल रूप से कन्नौज के छिपती का रहने वाला है ये कारोबारी। गुरुवार को घर, पेट्रोल पंप, दफ्तर, फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज पर छापा पड़ा था। अधिकारियों ने मौके से मिले नकदी और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। कन्नौज में है इत्र की फैक्ट्री और पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज भी है। मुंबई में है इत्र कंपनी का हेड ऑफिस। कारोबारी की अब तक सामने आई है 40 कंपनियां, 2 सऊदी अरब और 2 पूर्वी राज्यों की है। तो ये बड़ी छापेमारी हुई है जिसमें कई खुलासे हुए।
और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। सड़क हादसे में 3 छात्राओं की मौत की खबर है। ट्रक के नीचे आने से 4 में से 3 छात्राओं की मौत हो गई है। डिवाइडर से टकराकर ट्रक हाईवे पर पलटा। लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। थाना कैंट के शहादतगंज NH 27 पर यह हादसा हुआ है। 3 छात्राओं की मौत की खबर मिली है। डिवाइडर से टकराकर ट्रक हाईवे पर पलटा और NH 27 पर लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 छात्राओं की मौत हो गई है। थाना कैंट के शहादतगंज की यह घटना बताई जा रही है। और जया, अब रुख कर लेते हैं अयोध्या का। अयोध्या से एक अहम खबर, जहां क्राइम ब्रांच और महाराजगंज पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना महाराजगंज में एमी घाट अरबत मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई। धानीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले ये दोनों बदमाश हैं। दोनों बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम था। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।